नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार 24/7 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसटीटी 2024 का फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, आपको सिंपली ऐसे गूगल में जाना है। गूगल में जा करके जब आप यहाँ पर वेबसाइट डालेंगे नाम BSEBSTT2024.com और इस पर करेंगे इंटर, ठीक है ना, सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट खुल जाएगी, BSEB2024.com एसटीटी एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर करना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड पूरा खुलेगा। ठीक है, अगर आपने पहले भी, आपके पास मोबाइल पासवर्ड वगैरह है, पहले भी आपने अप्लाई किया था तो उसका यहाँ पर इंटर करना है, या फिर नया रजिस्टर करना है तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे आपको जाना है। तो आप यहाँ जाएंगे तो ये आपका पूरा विवरण मांगेगा, जैसे सबसे पहले नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, नाम लिख दिया, कंफर्म नेम तो इसको कंफर्म कर देना है, कंफर्म नेम पे अपना कंफर्म कर देना है। ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए जो भी है। ठीक है, मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिए, जैसे मैं अपना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9140 83। क्लियर। पासवर्ड, अब कोई अपना एक पासवर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, जैसे मैं बना देता हूँ और उसके बाद फिर इसको कंफर्म करना है पासवर्ड को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी पासवर्ड आप लोग बनाएंगे तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक कैपिटल लेटर यूज कर लीजिए, कुछ अल्फाबेट्स यूज कर लीजिए और कुछ जो है जैसे कि एट द रेट हुआ, इन सब साइंस का आप इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है ना, ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी वही इंटर कर देना है, 3879 91। ये ओटीपी आया था, अब मैंने इसको रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अभी रजिस्टर हो चुका है, पासवर्ड मोबाइल नंबर है तो पासवर्ड है। क्लियर, तो इसको सेव करने का ऑप्शन आएगा, आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे अपना, जो भी मोबाइल नंबर आपने वहां पर दिया था। देखिए, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड में जा करके तो पासवर्ड वही सेम डाल दीजिए और इस पासवर्ड को आप लोग जरूर कहीं नोट कर लें, याद रखें। ठीक है, क्योंकि भविष्य में भी काम आएगा। तो लॉग इन करेंगे जब इस पासवर्ड से तो ये देखिए इस प्रकार से आपका पेज पूरा खुलेगा और यहाँ पर लिखा इन्फॉर्मेशन में नोट, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांच करें, यदि कोई त्रुटि है तो सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट करें। मतलब कि पेमेंट करने से पहले सारे डाटा को देख लीजिए कि हमने नाम अच्छे से भरा है, जितना भी कुछ मांग रहा है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन क्या आपसे मांगेगा, अब यहाँ पे देखिए ओनली पेपर टू लिखा है एक जगह, एज लिखा ओनली पेपर वन। अगर आप केवल पेपर एक ही करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप दोनों में चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फॉर बोथ पेपर वन एंड टू, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पेपर वन पर केवल क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे BSEB यूनिक आईडी इफ यू हैव देन इंटर, यदि आपके पास है तो यहाँ पे दर्ज करें यूनिक आईडी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं सीतामढ़ी कर देता हूँ। ठीक है, सीतामढ़ी मैंने कर दिया। मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, मीडियम पूछ रहा है, हिंदी में देना चाहते हैं पेपर, इंग्लिश में, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करना, जैसे हिंदी कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या जाएंगे तो कैंडिडेट्स नेम अपना यहाँ पर अपने अपने आप वहाँ देखेंगे तो नाम वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, मदर्स नेम में जाएंगे तो अपना मदर का नाम लिखेंगे जो भी लिखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर कंफर्म मदर नेम लिखेंगे। ठीक है, कंफर्म कर लेंगे। क्लियर, कंफर्म कर दिया। अब क्या करना है तो फादर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम और उसको कंफर्म करना है, तो मैंने कर दिया यहाँ पर। और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और सिलेक्ट करना, मतलब सिलेक्ट कुल मिला के करना है। तो इस प्रकार से आप लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर लिखना है ना, डेट मंथ एंड ईयर। क्लियर, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करना है आपको। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, डू नॉट मैच मदर्स नेम, डू नॉट मैच, हाँ यहाँ पे देखिए मदर्स नेम डू नॉट मैच आ रहा है, तो यहाँ पे आप सही कर पर। जो भी आप इन्फॉर्मेशन गलत देंगे तो तुरंत वहां पर बताएगा कि आपने यहाँ पर कुछ गलती की है, उस गलती को तुरंत सुधार करिए। क्लियर, अब यहाँ कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे हम, ईयर अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी ईयर है आपका डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है,
कर लिया मैंने सिलेक्ट। अब यहां पर देखिए कि करंट एज, तो करंट एज भी दे देगा वहीं पर, आपको बता देगा कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। जेंडर डालना है मेल या फीमेल, जो भी डालना है, मेल मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्प का चयन करना है, AWS अगर है तो उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। कंफर्म कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी यहाँ पे कंफर्म करना है, जैसे मैं जनरल हूँ तो जनरल लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। डिसेबल वगैरह नहीं है तो इसमें कुछ मत भरिए। डोमिसाइल, तो बिल्कुल डोमिसाइल निवासी अगर है तो वहाँ के निवासी भी डाल दीजिए, और यहाँ पे फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ तो कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री एबल्ड ओनली, तो एंट्री एबल्ड ओनली में क्या करना है, नो करना। अगर आप डिसेबल हैं, ठीक है, नो कर दिए है तो उसको डालिए, अदरवाइज नो कर दिए, नो कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए सारा फॉर्म मैंने भर दिया है, अब क्या करेंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लियर। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर और भी पूछेगा आपसे, जैसे कि क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका मैट्रिक में पूछ रहा है, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम, रोल कोड पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है, पासिंग ईयर पूछ रहा है, कितना नंबर आपने पाया, कितना डिवीजन बना, और उसका डॉक्यूमेंट भी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दोस्तों मांग रहा है, तो हाई स्कूल का, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का मांग रहा है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट जो भी है, बीएड का मांग रहा है, और अदर्स का भी दिया है ऑप्शन। सब्जेक्ट पेपर फॉर आपसे पूछेगा, पेपर वन के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट्स में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट, सोशल साइंस वगैरह से लेना है, सोशल साइंस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। और बैंक या ब्रांच नेम यहाँ पर डालना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, जो भी आपका अकाउंट है, क्लियर। अब फिर उसके बाद अपना एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, ये सब चीजें डालेंगे, फिर वही करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आएगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे मांग रहा है, सारा कुछ करके यहाँ पे फिर अब उसके बाद अपलोड करना होगा आपको। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का आपको फोटोग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करना, अपलोड करना है, और उसके बाद साइन भी आपका यहाँ पे दिया है, 10 KB से या 50 KB बीच में होना चाहिए, ये सब आप कर देंगे। और फिर आपसे पूछेगा कि जो भी जानकारी आपने दिया वो सही है कि नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर पूछ रहा है, सिग्नेचर आपको डिजिटल सिग्नेचर भी करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ये सेव कर देंगे, सेव या प्रीव्यू करके, प्रीव्यू सबसे पहले करेंगे और अपना फॉर्म देख लेंगे कि हमने क्या क्या यहाँ पर भरा हुआ था, जो भी जानकारियां हैं वो हमने दी है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फीस पेमेंट करके दोस्तों इससे आप लोग जुड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए, ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।